इस मोमेंट पर सभी बच्चों का एक ही सवाल है, सर हाउ टू क्रैक गेट एग्जाम इन अपकमिंग 2 months, क्योंकि आप बस 2 ही महीने रह गए हैं, तो अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब हमारी क्या प्रिपरेशन स्टाइल होनी चाहिए ताकि हम बेहतरीन स्कोर कर सके। तो आप देख सकते हो इतनी सारी चीजें मैं लेकर आया हूँ, ये खजाना है खजाना, मेरे इतने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने उतार दिया है यहाँ पर ताकि आप समझ सको। अगर ये चीज फॉलो कर लिए तो 100% दावे के साथ कहता हूँ आप गेट एग्जाम क्रैक कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि अगर आपको गेट एग्जाम क्रैक करना है तो आपको 25 to 35 marks स्कोर करना ही पड़ेगा। अभी 25 to 35 क्यों सर जी? 25 इसलिए क्योंकि अगर पेपर कठिन आ गया तो कट ऑफ कम होता है, 35 इसलिए क्योंकि अगर पेपर इजी आ गया तो फिर कट ऑफ बढ़ जाता है, और ये रेंज में इसलिए दिया है क्योंकि हर ब्रांच का अलग कट ऑफ होता है, सबका सेम नहीं होता, एज पर द पेपर डिफिकल्टी सबका अलग होता है, ठीक है। तो जनरली पाया गया है 25 to 35 लेकर आ जाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब उसके लिए क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, किससे शुरुआत करना है, कंफ्यूजन है आपको, तो ये रहा पहला पॉइंट। सबसे पहले आप एप्टी से शुरुआत करो, डेली एप्टीट्यूड पढ़ाई करो, 1 घंटा 15 marks कंफर्म है उसमें से फिक्स है, मैथमेटिक्स के 13 marks फिक्स है, सेकेंड सब्जेक्ट ये करना है, थर्ड आपके कोर सब्जेक्ट, और उसमें मैंने स्टार मार्क किया, स्टार इसलिए किया है क्योंकि कोर में बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़े, क्योंकि सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, ज्यादा समय भी नहीं आपके पास, तो उन सब्जेक्ट से शुरुआत करो जिसमें से ज्यादा सवाल आए हैं, जिसमें से ज्यादा मार्क्स पूछे गए हैं, डबल डिजिट मार्क्स पूछे गए हैं। और अगर आप टेलीकॉम के बच्चे हो तो फिर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, आपको कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो तो फिर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम्स, ये सारी चीज पढ़नी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल के बच्चे हो तो सॉन्ग, थर्मोडायनामिक्स, इधर से शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर आपको अपने ब्रांच के बारे में जानना है तो चेक कीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, चेक कीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आते हैं और उधर से आप स्टार्ट कीजिए। बाकी जो लो वेटेज सब्जेक्ट है उसको छोड़ दीजिए क्योंकि 2 महीने में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। चलो अब सेकंड पॉइंट है सर, अब पढ़ाई कैसे करें, सब्जेक्ट तो समझ में आ गया किधर से स्टार्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, बट उसको पढ़ाई कैसे करें, कैसे करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है यूट्यूब वीडियोस, फ्री वीडियोस, इतना सारा पूल ऑफ डेटा है, आपको जो एडुकेटर, जो एकेडमी पसंद है उनके प्लेलिस्ट वीडियो से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ट्राई करना कि मैराथन सीरीज देखो या कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज देखो या क्रैश कोर्सेज देखो, जिससे आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड है नोट्स रेफर करो, अब बहुत सारे कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं तो उधर नोट्स बनाते हैं तो उनके पीडीएफ से रेफर करो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, गूगल में टाइप करोगे तो कोचिंग मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वर्जन में। अगर आपका दोस्त कहीं कर चुका है कोचिंग तो उनके नोट्स उठा लो, उनके घर पे जाओ, नॉक करो, टिक टिक भाई तुम आओ बाहर, तुम्हारा हो गया गेट एग्जाम, अब तुम हमको बुक्स दे दो, ठीक है, हमें पढ़ाई करनी। तो यार दोस्त कब काम आएंगे, इस मोमेंट पर ही काम आएंगे ना, तो नॉक कीजिए सबके सीनियर्स के डोर्स पर। थर्ड पॉइंट है PYQs, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ बुक्स के बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, क्योंकि PYQs की बुक खरीदोगे या फिर अगर आप रेफर करोगे ऑनलाइन तब आइडिया मिलेगा कि कौन से टॉपिक्स और कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि BTech का जो स्टाइल है वो अलग है, उसमें आप रट्टा मारते थे, बड़े बड़े डेरिवेशन, बड़े बड़े सवाल, है ना, इधर ऐसा नहीं है, इधर चीजें कंसेप्चुअली है, थोड़ी सी ट्रिकी है, तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको स्टाइल पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है कि डेली कैसे पढ़ाई करें सर जी, डेली हमारा टास्क क्या होना चाहिए, डेली आपका टास्क एक टू डू लिस्ट बना, कभी भी टाइम टेबल मत बनाना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, सुबह है ना 2 घंटे मैथमेटिक्स करूंगा, फिर दोपहर को 1 घंटा एप्टी करूंगा, 1 घंटा कोर करूंगा, रात को सर 3 घंटे हम कोर करेंगे। ऐसे कोई भी अपना सिलेबस खत्म नहीं कर पाया है। अगर आपने भी ऐसा कभी भी ये टाइम टेबल वाली चीज है ना फॉलो ही नहीं होती स्कूल के समय से, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इस चीज का जो तोड़ है, जो एकदम नुस्खा है, जो एकदम अल्टीमेटम है, वो है टू डू लिस्ट। आज के दिन प्लान आउट करो कि कौन कौन से काम मुझे करना है, वो प्लान आउट कर लिया, अब उसके बाद लग जाओ उसके पीछे, जब भी फ्री टाइम मिले उसके पीछे लग जाओ, और एंटरटेनमेंट तब तक नहीं करूंगा जब तक वो चीजें खत्म नहीं हो जाती। एक बार वो चीज खत्म हो गई फिर मैं एंटरटेनमेंट कर सकता हूं, ठीक है, फिर हद से करना एंटरटेनमेंट, उसमें गिल्ट नहीं होना चाहिए, अरे मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूं क्या होगा, नेसेसरी है एंटरटेनमेंट भी, बट कम औहदे पर, ज्यादा आपको काम करना है, कम एंटरटेनमेंट, और ये बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर ये टू डू लिस्ट बनाना और करना कैसे है, कंसेप्ट पढ़ो, फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, फिर PYQ सॉल्व करो, और फिर रात को रिविजन करो, और ये साइकिल करते रहना है जब जब आपको फ्री टाइम मिले, कंसेप्ट, नोट्स, PYQs, रिविजन, अगेन, ये लूप में आपको चलते रहना है, तब आप गेट एग्जाम 2 महीने में क्रैक कर पाओगे। और ये मेरा तजुर्बा है कि अगर ज्यादा एनर्जी हो तब कंसेप्ट पढ़ना,
कम एनर्जी हो तब रिवीजन करना। लोग उल्टा करते हैं, सुबह उठ करके रिवीजन करते हैं। अरे भाई जब सुबह एनर्जी हाई है रिवीजन करोगे तो फिर भरे भरे महसूस करोगे, फिर कुछ नया पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि ऐसा लगेगा कि आज के दिन तो बहुत कुछ कर लिया। तो जब एनर्जी एकदम हाई हो, जब माइंड एकदम फ्रेश हो, तब नए कंसेप्ट को पढ़ना तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। जैसे पेट खाने को डाइजेस्ट करता है, ये दिमाग कंसेप्ट को डाइजेस्ट करता है। तो जब एनर्जी ज्यादा हो, जब भूख ज्यादा हो, तब कंसेप्ट को पढ़ना, विच वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और लास्टली ये मेरे 5 सितारे पॉइंट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में मैं रखता ही हूं कि हेल्थ पर फोकस कीजिएगा। पेट दर्द ना हो, सिर दर्द ना हो, आंखें दर्द ना हो, या फिर बैक पेन ना हो, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो हेल्थ का ध्यान दीजिएगा कि वॉकिंग के लिए जाते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, इतना भी कर लिए तो बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मसल डेवलप करो, जिम विम जाओ, ठीक है। सेकेंड है, सोशल मीडिया को अवॉइड करो, कट डाउन करना ही पड़ेगा। 2 महीने में फेसबुक नहीं देखूंगा, इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, स्नैप नहीं डालूंगा, जो भी आप करते हो। टिकटॉक तो बैन हो ही गया है, भगवान की कृपा है ये, ठीक है। तो ऐसे ये जो सोशल मीडिया है इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, अननेसेसरी टाइम पास मत करना। व्हाट्सएप जरूरी है तो चला लेना, टेलीग्राम जरूरी है चला लेना, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि सवाल इजी, मीडियम, हार्ड तीनों लेवल के आते हैं। बच्चे डर से जाते हैं, गेट एग्जाम इज वेरी टफ बिकॉज बहुत टफ सवाल आएंगे। अरे नहीं, मेजॉरिटी इजी टू मॉडरेट आता है, बहुत कम टफ आता है। और टफ देते क्यों है, बहुत कम भी इसलिए देते हैं क्योंकि वहां से रैंक डिसाइड होते हैं। जो टफ सवाल बनाते जाते हैं उनका रैंक फिर ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट, फिर डबल से सिंगल डिजिट, इसलिए वो टफ सवाल दिए जाते हैं। वो बहुत छोटा पार्ट है, मेजॉरिटी पार्ट इजी टू मॉडरेट है। बच्चे इधर ही ढेर हो जाते हैं, क्यों, सिली मिस्टेक कर दिया, फॉर्मूला भूल गया, कंसेप्ट एरर, ठीक है, वो केसेस पता नहीं चले, वो वर्ड जंबलिंग कर दिया, वो थोड़ा सा मिस हो गया, वही तो खेल है पूरा, ठीक है। इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा और लास्टली प्लान आउट कीजिए। अब 2 महीने बचे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अभी ये सब्जेक्ट उठा लिए और चलो फिर सर जी ने जैसे बताया। प्लान आउट कीजिए कि कितने हफ्ते में, कितने महीने में कैसे मैं चीजें खत्म करूंगा, कि मैथमेटिक्स को कितना टाइम देना है, एप्टीट्यूड को कितना देना है, कोर सब्जेक्ट्स को कितना देना है, वो प्लान आउट कीजिए। आज बैठ करके ही पूरा प्लान आउट कीजिए, रोड मैप बनाइए आपके हिसाब से, आप कैसे कंफर्टेबल हो। कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज गोइंग है, कोई कुछ कर रहा है, सो प्लान आउट कीजिए और फिर आगे बढ़िए कि ये सब्जेक्ट समझ में आ गए, प्लान कर लिया कि कैसे कितने दिन में खत्म करना है। उसके बाद वीडियोस, कोर्सेस भी रेफर कर सकते हो, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणी जी स्टडी सिंप्लीफाइड, उसके अंदर भी कंटेंट है। कम आवर्स में आपको बहुत सारी बेहतरीन चीजें मिल जाएगी, तो उधर से भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। और उधर आप देख सकते हो कि जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, PYQs भी करवाए गए हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, यू विल गेट ऑल इन वन, तो वो भी आपका बेनिफिट होगा, ओके। और उसके बाद डेली आप प्लान आउट कीजिए टू डू लिस्ट बना करके, और ये साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, यही सेवियर है, इससे डिविएट मत होना। बच्चे इसे डिविएट हो जाते हैं, कंसेप्ट नहीं, अब सर जी मैं फुल कोर्स करूंगा, अब मैं सर जी कुछ और करूंगा, डिविएट हो जाते हैं। डिबेट हो जाओगे, मार्क्स डिबेट हो जाएगा, और फाइनली आपको हेल्थ पर ध्यान देना है और बाकी चीजें करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही अपडेट्स के लिए कि कैसे हमको गेट में अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।